मैसेल्फ पुलकित शर्मा, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जेएलएन अजमेर। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि काफी दिनों से काफी लोगों के काफी डाउट्स आ रहे थे कि उन्होंने ऑल इंडिया की सीट छोड़ दिया, वो राजस्थान में वेट कर रहे हैं तो उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे काफी सारे डाउट्स थे। तो आपको पता है, सबसे पहले तो आज तो शेड्यूल आ चुका है राजस्थान के सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं जो भी पीडीएफ्स होती है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं डालता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्टली बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में, कि क्या कट ऑफ हो सकती है राजस्थान के सेकंड राउंड की, तो उस पर अपन बात करते हैं। क्योंकि राजस्थान के सेकंड राउंड में दो तरीके से सीटें आती हैं, एक तो ऑल इंडिया की 15% कोटा की जो सीट्स वैकेंट रह गई थी, जो कल आपको पता लगी गई 160 सीटें हैं राजस्थान में, वो सीटें आएंगी। साथ ही राजस्थान के फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में बेटर कॉलेजेस ले लिए, और उनकी सीट अब वैकेंट होके राजस्थान के सेकंड राउंड में ऐड होंगी, तो दो तरीके से सीटें आएंगी। तो अभी तक सिर्फ अपन को पता है राजस्थान के फर्स्ट राउंड की सीट कितनी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो राजस्थान की काउंसलिंग की साइट पे कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स अभी अपलोड नहीं किया है उन्होंने। हर साल अमूमन इस टाइम तक आ जाता था, एक दिन पहले तक, पर अभी तक आया नहीं है। फिर भी मैंने कुछ एनालिसिस किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको कैसे कट ऑफ बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर समझ आएंगी। क्योंकि मैंने इन पास्ट दो साल से मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि आपको जनरली अगर कट ऑफ का पता करना है राजस्थान के सेकंड राउंड की, तो ऑल इंडिया का जो सेकंड राउंड होता है उसमें +1 या -1 ऐड कर लो, वो कट ऑफ होती है। पर आज अपन पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है इस साल की, है ना। तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में राजस्थान के फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उसकी स्टेट रैंक थी 1260 के आसपास तक कॉलेज मिला था, ठीक है। और ऑल इंडिया में जो कॉलेज मिला था वो 15,000 रैंक तक मिला था, ऑल इंडिया रैंक 15,000, मतलब राजस्थान की स्टेट रैंक थी 2182। तो 1260 तक कॉलेज मिल गया था राजस्थान के राउंड वन से, और 2182 तक कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया के राउंड टू से। तो 1260 से 2182 के बीच कितने बच्चे हुए, इन बच्चों की संख्या है 922 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया के थ्रू तो कॉलेज मिल सकता था या फिर मिल गया, पर उनको राजस्थान के थ्रू राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला। मैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एसटीएससी कैटेगरी का मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी उनकी काउंसलिंग थोड़ा लेट है तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब बचे कितने, 922 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको राजस्थान के थ्रू तो कॉलेज मिला नहीं, पर ऑल इंडिया के थ्रू उनको या तो मिल रहा था या फिर मिल चुका। 922 कैंडिडेट में से 492 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज अलॉट करवा लिया और वो चले भी गए ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के थ्रू, अब वो राजस्थान की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो बचे कितने कैंडिडेट्स, बचे 430 कैंडिडेट्स। अब 430 कैंडिडेट्स में से मैं आपको बता दूं, 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे आपको पता है 1260 तो जनरल तक मिला था, 1303 ओबीसी तक मिला था, तो कुछ ओबीसी के कैंडिडेट्स, कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स, क्योंकि 1560 तक ईडब्ल्यूएस में मिला था, कुछ एमबीसी के कैंडिडेट्स और कुछ एसटीएससी के कैंडिडेट्स। तो इसके बीच में ये 922 कैंडिडेट्स में से कुछ लगभग 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी थी उनकी कैटेगरी के थ्रू, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो और या एमबीसी हो। तो अब अपन 100 बच्चों को भी कम कर लेते हैं 430 में से, तो कितने बच्चे बचे, 330 बच्चे बचे। तो अब अपने पास देखते हैं कि कितनी सीटें आ सकती हैं। तो अभी जो 160 सीटें आई हैं उनमें से लगभग पिछले सालों के हिसाब से 70% सीटें जनरल और ओबीसी की आती है। तो अपन मान लेते हैं 160 का 70% कितना हुआ, 112 सीटें हुई। 112 सीटें प्लस कौन सी सीटें, राजस्थान के फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने अलॉट करवा लिया था पर ज्वाइन नहीं किया था, वो ऑल इंडिया के राउंड टू के थ्रू कॉलेज ले चुके हैं। तो लगभग ऐसे कैंडिडेट्स हैं अपने पास, लगभग 180 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी और जनरल की आने वाली हैं राजस्थान के थ्रू, क्योंकि राजस्थान के 180 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के थ्रू कॉलेज ले लिया और राजस्थान के फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। 180 बच्चे ऐसे हैं अपने पास। तो टोटल कितने बच्चे हुए, 180 प्लस 112 292 सीटें। और अपन जोड़ते हैं, अपन ने सारा एनालिसिस कर लिया है कि किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा राजस्थान के सेकंड राउंड में, वो जोड़ते हैं अपन। तो 1260 रैंक तक ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है, 492 बच्चे ऑलरेडी ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के थ्रू ले चुके हैं कॉलेज, वो जा चुके हैं। 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी, बीच के ऐसे बच्चे हैं 2182 रैंक से लेके 1260 के बीच के 100 बच्चे ऐसे हैं एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी के जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है। अब अपने पास आई 292 सीटें, अपन उसमें ये सब ऐड कर देते हैं
तो अपनी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 2144 स्टेट रैंक, मतलब आप देख सकते हैं कि 611 के अराउंड, तो 610 612 इसके बीच में कट ऑफ रहने के चांस है राजस्थान के सेकंड राउंड की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑल इंडिया के जो सेकंड राउंड की कट ऑफ जाती है उससे प्लस माइनस वन वो कट ऑफ होती है राजस्थान के सेकंड राउंड की, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी यही लग रहा है कि यही कट ऑफ जानी चाहिए। अगर ज्यादा सीटें आ जाती हैं जनरल ओबीसी की जो मैंने आपको शुरू में बताई तो आपकी कट ऑफ थोड़ा कम जा सकती है, मतलब 610 से 609 हो सकती है, और अगर कम सीटें आई जनरल और ओबीसी की तो वो आपकी कट ऑफ 612 रह सकती है। तो ये मैंने आपको जो भी डाटा था उसके बेसिस पे मैंने आपको कट ऑफ बताई, बाकी आप होप कीजिए कि कट ऑफ कम से कम जाए, मतलब 609 तक चले जाए, 608 चले जाए, पर वो डिपेंड करता है कि कितनी सीटें आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काउंसलिंग का लास्ट फेज चल रहा है तो अच्छे से काउंसलिंग कराइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।